चटर्जी चीखता है, वर्चस्विनी मैम। चटर्जी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती हैं। उसे ग्रेवयार्ड कोठी धुंधली दिखाई देने लग गई थी। उसकी आंखों के सामने से ग्रेवयार्ड कोठी ओझल होने लग जाती है। चटर्जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाता है, वो अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त वो हवेली के हॉल में खड़ा हुआ था। वहीं पर युग और उसके परिवार वाले खड़े हुए थे। सभी लोग चटर्जी की बातें गौर से सुन रहे थे। उसकी बातें सुनकर सभी की रूह कांप गई थी। चटर्जी अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, जब मैं होश में आया तो उसी जगह पर था जहां पर हमारी जिप्सी बार बार आकर रुक रही थी। वो लेफ्ट साइड जाने वाला रास्ता जो हमें ग्रेवयार्ड कोठी ले गया था, वो रास्ता वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसी वक्त पूरी तरह कन्फर्म हो गया था कि वो काले साय का माया जाल ही था जो उसने अपनी काली शक्तियों से बनाया था, जिसमें वर्चस्विनी मैम फंस चुकी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने जल्दी से जिप्सी चालू करी और इस बार जब हवेली के रास्ते पर निकला तो सीधे यहां पर पहुंच गया। इतना कहकर चटर्जी चुप हो जाता है। उसके चुप होते ही हवेली के अंदर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। चटर्जी की बातें सुनकर सबके होश तो उड़े ही थे, साथ में बोलती भी बंद हो गई थी। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ चटर्जी पर आरोप लगाते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ता है, ये झूठ बोल रहा है, ये एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। युग कछुए को समझाते हुए कहता है, ये तो क्या बोल रहा है कछुए, तू होश में तो है, इस तरह चटर्जी जी पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। कछुआ अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ युग, और मैं इस चटर्जी पर एकदम सही इल्जाम लगा रहा हूँ। इस चटर्जी ने ही कुछ किया है, ये जानबूझकर मेरी वर्चू को उस काले साय के पास ले गया है, वरना इन्हें शाम को निकलने की जरूरत ही क्या थी, जिस वक्त तूने बताया था उसी वक्त निकल जाते सुबह सुबह। चटर्जी अपने निर्दोष होने की गवाही देते हुए कहता है, मैंने फोन पर बताया तो था कि वर्चस्विनी मैम के कुछ टेस्ट बचे हुए थे, ऐसे ही बिना डॉक्टर की इजाजत के मैं उन्हें कैसे ले आता, और उन्हें कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता, और वैसे भी जितनी तुम लोगों को वर्चस्विनी मैम की फिक्र है उतनी ही मुझे भी है, मैं भला उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा, जानबूझकर उस काले साय के पास क्यों ले जाऊंगा। कछुआ चटर्जी को घूरते हुए तुरंत दहाड़ते हुए बोल पड़ता है, क्योंकि तू उस काले साय के साथ मिला हुआ है, उसने तेरे ऊपर जरूर कुछ किया है, मैं सब समझ रहा हूँ, वरना तू ही बता उस काले साय ने तुझे कुछ क्यों नहीं किया, तुझे क्यों छोड़ दिया। कछुए के सवालों ने सबको चटर्जी पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। चटर्जी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। कछुआ चटर्जी की आंखों में झांकते हुए कहता है, तुझे कैसे कुछ पता होगा चटर्जी, तू उस काले साय के साथ मिला हुआ जो है। युग पुरानी बातें याद करते हुए बड़बड़ा पड़ता है, चटर्जी पिछली बार जब तुम अपने चार साथियों के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में घुसे थे तो उस काले साय ने तुम्हारी चारों साथियों की बलि चढ़ा दी थी ना, लेकिन तुम्हारी नहीं चढ़ाई थी, तुम वहां से भाग आए थे, भाग के आए थे, उसने तुम्हें जाने दिया था। जैसे ही युग ये वाली बात बोलता है, अब सिर्फ कछुआ ही नहीं बल्कि कमरे के अंदर मौजूद सभी लोग चटर्जी को शक की निगाहों से देखने लग जाते हैं। सभी लोगों को लगने लग जाता है कि चटर्जी उस काले साय के साथ मिला हुआ है। सभी लोग एकटक नजर से चटर्जी को ही घूरे जा रहे थे। चटर्जी वहां पर मौजूद सभी लोगों को बारी बारी देखते हुए कहता है, तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो, मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उस काले साय के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। कोई चटर्जी के पक्ष में कुछ बोलता उससे पहले ही कछुआ चटर्जी की बातों को नकारते हुए कहता है, इसकी बातों में मत आना तुम लोग, ये चटर्जी बहुत शातिर है, ये हमारे साथ खेल रहा है, ये सब उस काले साय और इस चटर्जी की ही मिली भगत, ये उस काले साय के साथ मिला हुआ है। चटर्जी भी गुस्से के साथ बोल पड़ता है, मैं उस काले साय के साथ नहीं मिला हुआ हूँ, कितनी बार बोलूं मैं ये बात। कछुआ भी चटर्जी का गुस्सा देखकर खामोश नहीं होता है, बल्कि उससे और ज्यादा गुस्से में बोल पड़ता है, अगर तू उस काले साय के साथ नहीं मिला हुआ है तो तू अपने साथ मेरी वर्चू को क्यों नहीं लाया, उसे वहां अकेला छोड़कर क्यों आ गया, उस काले साय ने तुझे क्यों जाने दिया, हर बार वो तुझे क्यों छोड़ देता है तू बताएगा। चटर्जी खामोश रहता है, इस बार वो पलट कर कुछ जवाब नहीं देता है। सच तो ये था कि उसे खुद नहीं पता था कि हर बार काला साया उसे क्यों छोड़ देता था, उसे क्यों एक खरोच तक नहीं पहुंचाता है। चटर्जी भी इन सब के बारे में सोचने लग गया था। इन सवालों के जवाब वहां पर मौजूद किसी के पास नहीं थे। सब लोग चटर्जी को बस शक की निगाहों से देखे जा रहे थे। जैसे जैसे कछुआ चटर्जी को देखे जा रहा था, उसके अंदर का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वर्चस्विनी की फिक्र ने उसके अंदर गुस्से का रूप ले लिया था।
और उस गुस्से में वो भूल जाता है कि चटर्जी एक पुलिस वाला है। प्यार में आशिक ऐसे ही पागल हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। उनके लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती है और आज वर्चस्विनी के लिए कछुआ भी चटर्जी का ओहदा भूल गया था। अगले ही पल कछुआ चटर्जी की कॉलर पकड़ते हुए कहता है, बोल तूने मेरी वर्चू के साथ क्या किया, तू क्यों उसे वहां पर ले गया था। चटर्जी अपना कॉलर कछुए की पकड़ से छुड़ाते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया कछुआ, छोड़ मुझे। कछुआ चटर्जी का कॉलर पकड़ा ही हुआ था कि तभी कछुए की नजर चटर्जी की शर्ट पर पड़ती है और वो देखता है कि उसका शर्ट खून से भीगा हुआ था। कछुआ घबराते हुए कुछ डरते हुए कहता है, ये खून कैसा है, कहीं ये मेरी वर्चू का खून तो नहीं। बोल तूने मेरी वर्चू के साथ क्या किया, क्या किया मेरी वर्चू के साथ। चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, मैंने वर्चस्विनी मैम के साथ कुछ नहीं किया कछुआ, ये खून वर्चस्विनी मैम का नहीं है। वो तो मैं यहाँ आ रहा था तो बारिश होने लगी और वो कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, खून की बारिश थी। मेरी बात का यकीन कर, ये उसी बारिश का खून मेरी शर्ट पर लगा हुआ है। चटर्जी के सच कहने पर भी कछुए को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। वो चटर्जी का कॉलर पकड़े रहता है और बार बार उससे चीखते हुए पूछते रहता है, बोल तूने मेरी वर्चू के साथ क्या किया, क्या किया तूने मेरी वर्चू के साथ। चटर्जी बार बार अपना कॉलर छुड़ाते हुए अपने बेगुनाह होने की गवाही दे रहा था, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। सब चटर्जी को ही दोषी समझने लग गए थे। कछुए ने और कसकर अपनी पकड़ चटर्जी के ऊपर जमा ली थी। मामला ज्यादा बिगड़ता उससे पहले ही अभिमन्यु उन दोनों के बीच आ जाता है और उन दोनों को छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ कछुए, ये तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या। अभिमन्यु को ही देखकर युग और कायर भी उसकी मदद करने आ जाते हैं और कछुए को चटर्जी से दूर करने लग जाते हैं। कछुए को अभिमन्यु और कायर ने पकड़ कर रखा हुआ था तो चटर्जी को युग ने पकड़ कर रखा हुआ था। कछुआ अपने आप को अभिमन्यु और कायर की पकड़ से छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ो छोड़ो मुझे, आज मैं इस चटर्जी को छोड़ूंगा नहीं, यही मेरी वर्चू को उस काले साए के पास ले गया था, इसी ने सब कुछ किया है। अभिमन्यु कछुए को समझाते हुए कहता है, ये तो क्या बोल रहा है कछुए, तू पागल हो गया है क्या। कछुआ पलट कर कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं इस चटर्जी को आज छोड़ने वाला नहीं हूँ, उस काले साए ने इसकी बलि नहीं चढ़ाई तो क्या हो गया, पर आज मैं इसकी बलि जरूर चढ़ाऊंगा। कछुए को इतने गुस्से में देखकर एक पल के लिए कायर भी डर गया था। उसने कछुए को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। वो वर्चस्विनी की फिक्र में सच में पागल हो गया था। उसके सिर पर चटर्जी को मारने का जुनून सवार था। वो वर्चस्विनी का आरोपी चटर्जी को ही मान रहा था। अभिमन्यु और कायर और कसकर कछुए को पकड़ लेते हैं ताकि वो चटर्जी को कुछ न कर पाए। कछुआ कुछ गलत कदम उठाता उससे पहले ही युग चटर्जी का पक्ष लेता है। युग कछुए को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, चटर्जी ने कुछ नहीं किया है कछुआ, ये सच कह रहा है। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, तू कैसा दोस्त है युग, ये चटर्जी मेरी वर्चू को उस काले साए के हवाले करके आ गया और तब भी तू उसका साथ दे रहा है, मेरा दोस्त होकर तू मेरा दोस्त है या इसका। युग कछुए को नर्म लहजे में ही अच्छे से समझाते हुए कहता है, कछुआ बात यहाँ साथ देने या दोस्ती निभाने की नहीं है, बात है सच और झूठ की, और जब भी मुझे सच और झूठ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं दोस्ती को छोड़कर सच को चुनूंगा। कछुआ युग को देखते हुए कहता है, मतलब तू ये कहना चाहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये चटर्जी सच बोल रहा है, तुझे उसकी बातों पर यकीन है लेकिन मेरी नहीं। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ कछुआ चटर्जी सच कह रहा है, वो उस काले साए के साथ मिला हुआ नहीं है, उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, सब उस काले साए ने किया है, ये सब उसकी साजिश है। कछुआ युग से पूछता है, तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है युग कि चटर्जी सच कह रहा है। युग चटर्जी पर से आरोप हटाते हुए कहता है, अगर चटर्जी ने सब कुछ जानबूझकर किया होता ना कछुआ तो वो यहाँ पर कभी नहीं आता। तू ही जरा सोच कर देख, अगर चटर्जी काले साए के साथ मिला होता और उसका काम वर्चस्विनी को उस काले साए के पास ले जाना होता तो चटर्जी का काम तो वहीं पर खत्म हो गया था ना। जब वो वर्चस्विनी को उस काले साए के पास ले गया था तो फिर वो यहाँ पर क्यों आता, क्यों हमें बताता कि उस काले साए ने वर्चस्विनी को अपने माया जाल में फंसा लिया है। युग के कहने पर कछुआ भी इस बारे में सोचने लग गया था, उसका गुस्सा शांत होने लग गया था। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, चटर्जी यहाँ पर आया क्योंकि उसे हमारी मदद की जरूरत थी, वो जानता था कि हम ही कुछ कर सकते हैं और तू है कि उसकी बातों पर यकीन करने की जगह उल्टा उसी पर शक कर रहा है, उसी पर इल्जाम लगा रहा है। तू कैसे ये बात भूल सकता है कि चटर्जी की वजह से ही हम उस झरने तक पहुंचे थे। अगर चटर्जी वो अपराजिता का पेड़ नहीं ढूंढता तो हम कभी उस झरने तक नहीं पहुंच पाते, ना ही यामिनी को उसका शरीर मिलता।
युग की बातों से अब कछुआ भी सहमत होने लग गया था, पर चटर्जी के खिलाफ उसके मन में एक सवाल ऐसा था जो उसे ये सच्चाई कबूल नहीं करने दे रहा था। वही सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था जो उसे परेशान कर रहा था। अगले पल कछुआ वो सवाल युग से पूछते हुए कहता है, युग मैं तेरी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। युग झट से पूछता है, कैसा सवाल कछुआ? कछुआ जवाब देता है, यही कि वो काला साया कभी इस चटर्जी को कुछ क्यों नहीं करता है, उसने उस दिन इसकी बलि क्यों नहीं चढ़ाई। युग की समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे, और ये बात अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देख कर महसूस कर ली थी। इसलिए युग की तरफ से अभिमन्यु जवाब देते हुए कहता है, तेरे इस सवाल का जवाब कछुए तुझे वो काला साया ही दे सकता है कि आखिर उसने चटर्जी की बलि क्यों नहीं चढ़ाई। और वैसे भी ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है कछुए, क्या तुझे जरा सी भी इस बात की चिंता है कि आखिर उस काले साये को वर्चस्विनी जी की क्या जरूरत पड़ गई? उस काले साये ने वर्चस्विनी जी को अपने माया जाल में क्यों फंसाया, क्यों ग्रेवयार्ड कोठी में बुलाया? डायना भी कुछ सोचते हुए कहती है, वो काला साया तो वैसे ही काफी शक्तिशाली है, उसे भला वर्चस्विनी की क्या जरूरत पड़ गई? वर्चस्विनी के पास तो कोई शक्ति भी नहीं है, उसे पहले अनुराग अंकल का शरीर चाहिए था और अब वर्चस्विनी पर आखिर क्यों, आखिर वो करना क्या चाहता है? अभिमन्यु और डायना के सवालों ने सबको वर्चस्विनी की चिंता करने के लिए मजबूर कर दिया था, सबको टेंशन में डाल दिया था। और इस वक्त कोई सबसे ज्यादा डरी और घबराई हुई थी तो वो तारा थी। वो इतना घबरा गई थी कि कुछ बोल तक नहीं पा रही थी, बस डरे डरे सबकी बातें सुनते जा रही थी। वंदना और अमोदिता भी अब उन सबकी बातें सुनकर दंग रह गई थी। कछुआ वर्चस्विनी की फिक्र करते हुए घबराते हुए कहता है, हमें कुछ करना होगा, मेरी वर्चू को बचाना होगा, मैं उसे उस काले साय के पास नहीं छोड़ सकता, मैं उसे बचाने जाऊंगा। ब्लड मून की घटना घटने के कुछ घंटे पहले वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ भागते हुए जा रही थी और चटर्जी उसे पुकारते हुए उसके पीछे पीछे भागे जा रहा था। चटर्जी वर्चस्विनी के पास पहुंच पाता उससे पहले ही वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसती है, ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा अपने आप फटाक से बंद हो जाता है। जब वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इतना अंधेरा कि उस अंधेरे में वर्चस्विनी को उसके हाथ पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वर्चस्विनी डरते हुए तारा को पुकारते हुए कहती है, तारा, मेरी बच्ची तारा, कहाँ हो तुम मेरी बच्ची? ग्रेवयार्ड कोठी सुनसान होने के कारण वर्चस्विनी की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग गई थी। वर्चस्विनी अंधेरे में ही अपने कदम आगे बढ़ाते हुए तारा को पुकारते हुए कहती है, तारा, तारा। तभी एक डरावनी आवाज वर्चस्विनी को सुनाई देती है, तारा नहीं साया, मौत का साया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।